कि आप बढ़िया फिनिश दिया उन्होंने, ये सारे राइफल्स रखी हुई है, ये भी रियल है, हाथ कवर होता है इस ग्रिप में, ये 4 इंच बैरल है तो ये साइड ओपनिंग है, ग्लॉसी फिनिश में है, 9 गोलियां मैगजीन में लोड होती है, ये ऐसे कॉक होता है, सारे पिस्टल्स में इन्होंने पुश बटन मैगजीन दी है। तो अभी गाइस पहुंच चुके हो शारदा गन हाउस पे, जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी ग्रेटा की, ग्रेटा एयर पिस्टल की, उस पर आप लोगों ने काफी प्यार दिया और मेरे पास काफी सारे कमेंट आए थे कि भाई कोई ग्रेटा की में अगर कोई दूसरा मॉडल है या फिर कोई और भी पिस्टल है तो उसकी वीडियो बनाओ, तो उसी को देखते हुए मैं आज दोबारा आ चुका हूँ। देखो शारदा गन हाउस पे, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि इनके पास ग्रेटा के और मॉडल है, जो भी होगा भैया से बात करते हैं अंदर चल के। तो ये हमारे शॉप के अंदर कैसे भैया? बहुत बढ़िया, आप सुनाए, हाउ आर यू, आप सब कैसे हैं? तो भैया जो पहले मैंने वीडियो बनाई थी ग्रेटा की, उसको काफी बढ़िया रिस्पांस गया, लोगों ने पूछा कि जो ग्रेटा कंपनी है ये इंडियन है या फिर कोई बाकी कंपनी है। ये ग्रेटा एक मेक इन इंडिया कंपनी है जो कि रिवॉल्वर्स एंड पिस्टल इंडिया में बना रही है, कि हम आपके लिए कई सारे प्रोडक्ट्स लेके आए हैं, काफी सारे मॉडल्स रखे ग्रेटा के, तो मतलब ग्रेटा काफी सारे वो बनाती है पिस्टल्स और रिवॉल्वर्स। ग्रेटा अभी रिसेंटली ही मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू हुई है, कुछ पिछले कुछ सालों से, पिछले 1 या 2 साल से, तो उनके प्रोडक्ट्स बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी के निकल रहे हैं, जो हमारे जितने यार दोस्त हैं, जो हमारे लाइसेंस होल्डर्स हैं, जो उनके प्रोडक्ट्स के लिए इतनी ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि उनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी बढ़िया निकाली है उन्होंने कि इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। जो पहले लोग इंपोर्टेड पिस्टल्स के लिए भागते थे और महंगे महंगे इंपोर्टेड पिस्टल्स के लिए भागते थे, आज की डेट में वो ग्रेटा ने इन सब चीजों को सब मेक इन इंडिया में लेके आ गए हैं। आज आपको हम ये सारे मॉडल्स दिखाएंगे, हमने आपके लिए सारे मॉडल्स अरेंज करे हैं और हमारे पास ये बल्क क्वांटिटी में भी है, अगर कोई डीलर हमसे लेना चाहे तो हमसे बल्क क्वांटिटी में भी ले सकता है, और अगर कोई कस्टमर हमसे एक एक पीस लेना चाहे तो उसमें भी ले सकता है, लेकिन शर्त ये है कि उसके पास लाइसेंस होना चाहिए, ये रियल वेपन्स है। अभी गाइस देखते हैं जो हमारे सामने मॉडल रखे हैं उनमें सबसे बेस्ट मॉडल कौन सा है, वो भैया से एक्सप्लेन करवाएंगे, और मैं आपको एक बार इनकी शॉप का टूर देता हूँ। इस शॉप में जितने भी वेपन्स है वो सारे रियल वेपन्स है, ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। और ये देखो ये सारे राइफल्स वगैरह रखी हुई है, ये भी रियल है, ये रियल ही है ना यहाँ पर सब कुछ, ये सब रियल वेपन, ठीक है। और ये देखो आर्मी डिजाइन में भी देखो पूरी ये गन रखी हुई है, ये भी रियल है, और देख रहे हो इम्पोर्टेड स्टाइल में भी देखो पिस्टल राइफल रखी हुई है। ये राइफल इम्पोर्टेड है या इंडियन है? वो सब इम्पोर्टेड है, इम्पोर्टेड राइफल है, ठीक है। तो भाई ये देख लो, ये सब तो इंडियन है ना भैया, ये वाले कुछ इंडियन है कुछ इम्पोर्टेड मॉडल है, तो ये नीचे वाले बुलेट है, ऊपर वाले देख लो ये सब इंडियन राइफल्स है, देख रहे हो। तो इनकी भी बहुत जल्द वीडियो बनाऊंगा मैं, बैंड भी वीडियो बनाएंगे राइफल्स पे भी, जी बिल्कुल बनाएंगे। तो आज आपको ग्रेटा दिखाते हैं कि ग्रेटा ने क्या एडवांसमेंट करी है। ये ग्रेटा का रिवॉल्वर है, आप एक बार इसकी फील और फिनिश देखिए, छोटा सा भी है ये, पॉकेट साइज है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है और बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं है, एक मीडियम साइज का रिवॉल्वर है, 2 इंच बैरल में है, स्टब नोज बोलते हैं। आप इसकी फिनिश देखिए, इसकी क्या बढ़िया फिनिश दी है उन्होंने, ब्लैक कलर में है, ये फुल ब्लैक कलर में है, इसमें ऑप्शन मिलती है, अगर आप चाहेंगे तो इसमें वुडन ग्रिप की भी ऑप्शन है, लेकिन ये ग्रिप बहुत बढ़िया लगती है, आपकी पूरे हाथ कवर होता है इस ग्रिप में, तो ये बहुत अच्छी फिनिश देता है। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि ये साइड ओपनिंग है, हम इस रिवॉल्वर के बारे में आपको बताते हैं, ये आप इस बटन को प्रेस करके इसको बाहर निकालेंगे तो ये साइड ओपनिंग है, ये इंडिया का पहला 7-शॉट रिवॉल्वर है, साइड ओपनिंग विथ सेफ्टी लॉक, और ऐसा कोई रिवॉल्वर इंडिया में नहीं बनता ना ही आता है। इंडियन ऑर्डनेंस फैक्ट्री का भी ये रिवॉल्वर 6-शॉट होता था और वो ऊपर से ओल्ड स्टाइल से खुलता था, देखिए इसमें 7-शॉट का रिवॉल्वर बना दिया इन्होंने, और बहुत ही लाइट वेट में है, बहुत ज्यादा हैवी नहीं है, इसका वेट अप्रोक्सीमेटली 700 to 750 grams का वेट है, और इसमें सेफ्टी लॉक भी इन्होंने बहुत ही बढ़िया जगह पे दिया है, अगर हमने इसको फायर करना है तो इसी हाथ से हम इसको पीछे करेंगे, वन हैंड ऑपरेशन से भी हम इसको पूरा वेपन यूज कर सकते हैं। ये मैंने आपका ओपन कर दिया, ये क्लोज कर दिया, लॉक करना है लॉक कर दिया, रिलीज करना है रिलीज कर दिया, तो ये देखो यहाँ पे इसकी बुलेट चलेंगी बिल्कुल, और ये इतना स्मूथ है कि अगर कोई किसी भी एज का हो तो आज की हमारे इंडियन वेपन्स में पहले थोड़ी सी प्रॉब्लम्स ये आती थी कि बहुत ज्यादा हार्ड होते थे, थोड़े चीप प्राइस जरूर होते थे लेकिन इतने हार्ड होते थे कि चलते ही नहीं थे, तो ऐसे कभी भगवान ना करे आपको चलाने की जरूरत पड़ जाए और उस टाइम पे आपका वेपन चले ही ना, उसका कोई फायदा नहीं है। इट इज वर्थ स्पेंडिंग लिटिल मोर, और आप बहुत ही बढ़िया चीज लीजिए, अच्छी क्वालिटी की चीज लीजिए ताकि आपकी वक्त पे वो चीज काम आए। इसी में इन्होंने जिनको ज्यादा रेंज से प्यार है, जिनको 50 मीटर से अबव की रेंज चाहिए, उसके लिए इन्होंने 4 इंच बैरल निकाला है, इसमें 3 इंच बैरल भी आता है, वो भी हम आपको दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये 4 इंच बैरल है, आप इसकी शेप देखिए, इसकी शेप क्या बढ़िया शेप दी है, 2 इंच बैरल है, 2 इंच बैरल, इसका 4 इंच बैरल है, इसके बीच में 3 इंच बैरल आती है, वो भी हम आपको दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये भी सेम है, साइड स्विंग ओपनिंग है, 7-शॉट का रिवॉल्वर है, और इसमें भी सेफ्टी लॉक है, सारे फीचर्स हैं जो फीचर्स होने चाहिए वेपन में, वेपन की क्वालिटी बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। इसी का हम आपको एक 0.32 बोर 32 बोर का पिस्टल दिखाएंगे, ये ग्लॉसी फिनिश में है, ये दोनों रिवॉल्वर्स मैंने आपको मैट फिनिश में दिखाए थे, ये ग्लॉसी फिनिश में है, ये देखिए
क्या शानदार चमक वाली फिनिश है। अगर आपको ग्लॉसी फिनिश में चाहिए कोई भी वेपन, रिवॉल्वर पिस्टल, तो ग्लॉसी में मिलेगा। अगर आपको मैट में चाहिए तो मैट में मिलेगा। दोनों तरह की फिनिशिंग है इनके पास। ग्रिप्स अगर वुडन चाहिए वुडन मिलेगी, फाइबर चाहिए फाइबर मिलेगी, जो सी ग्रिप चाहिए वो मिलेगी। ये देखिए बहुत बढ़िया। और सबसे बढ़िया प्लस पॉइंट क्या है, ये जो पिस्टल इन्होंने निकाला है 32 बोर का, ये 10 शॉट्स पिस्टल है। इसमें 10 गोलियां लोड होती हैं, 9 शॉट्स इन द मैगजीन, 9 गोलियां मैगजीन में लोड होती है और एक गोली चेंबर में लोड होती है। तो 10 शॉट का पिस्टल, पहले 7 शॉट का पिस्टल लेते हैं, ये 10 शॉट्स का पिस्टल निकाला है और डबल एक्शन है। ये हमने मैगजीन निकाली, आपको कॉक करके दिखाएंगे, ये ऐसे कॉक होता है। और इस पिस्टल की एक प्लस पॉइंट क्या है कि ये डबल एक्शन पिस्टल है। डबल एक्शन का मतलब क्या है कि जब आप ट्रिगर दबाएंगे तो उससे हैमर वर्क करेगा। कभी आप पिस्टल चलाते हैं और अगर गोली मिस हो जाती है, बाय चांस कभी गोली की गलती भी हो सकती है, इंडियन गोली भी हो सकती है या कोई पुरानी गोली भी आप यूज कर सकते हैं, कभी पिस्टल चलाते हैं और गोली मिस हो जाती है, तो आपने डरना नहीं है। आपने वही, ये डबल एक्शन पिस्टल है, आपने कॉक करके गोली चलाई, तो अगर ये गोली बाय चांस मिस कर जाती है तो इस पिस्टल में आपको दोबारा दूसरी गोली लोड करने की जरूरत नहीं है, वही गोली दोबारा चल जाती है। अगर डबल एक्शन पिस्टल होता है तो उस ट्रिगर से उसी गोली पे दोबारा हिट होता है और वो गोली 90% चल जाती है। तो आपकी इमरजेंसी सिचुएशन में अगर बाय चांस गोली की भी गलती हो और अगर आपके पास ग्रेटा का पिस्टल है तो आप 99% सेफ है। कभी हम अगर इसको पिस्टल को लोड करके रखते हैं तो हैमर पीछे आता है, तो हमारे भाइयों को डर होता है कि अगर ये हैमर पीछे है तो अगर मेरे से गलती से पिस्टल गिर गया तो उसमें हैमर रिलीज होके गोली चलने का डर होता है, जिसमें लोग कहते हैं कि पिस्टल में एक्सीडेंटल फायर हो सकता है, उसका भी ध्यान दिया ग्रेटा ने। उसमें इन्होंने डी कॉकर लगा दिया, लॉक के साथ डी कॉकर। अब हम अगर लॉक को नीचे करेंगे तो ये ऑटोमेटिक हैमर को आगे ले जाएगा, इसमें गोली नहीं चलेगी, ये इसको लॉक कर देगा। जो ये हैमर है इस हैमर को लॉक कर देगा ऑटोमेटिक, और ये फायरिंग पिन के आगे एक प्रोटेक्टर आ जाता है जिससे कि ये गोली को चलने नहीं देगा। तो कहने का मतलब अगर हम फीचर्स में जाएंगे तो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बेहतरीन फीचर्स हैं। और फिनिशिंग की बात करें तो इसके मुकाबले इंपोर्टेड की फिनिश भी हमारे को ऐसी नहीं लगती जितनी इसकी फिनिश लग रही है। और ये इन्होंने मैगजीन के अंदर शू क्लिप दिया है, इससे क्या होता है जो हमारी लास्ट फिंगर है उसकी ग्रिप नहीं बन पाती। इस वाले पिस्टल को जब हम पकड़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि हमारी ग्रिप अच्छी है तो हमारी एमिंग अच्छी होगी। अगर हमारी ग्रिप पूरी परफेक्ट है तो हमारा एम कभी भी नहीं चूकेगा। तो इसमें इन्होंने इस चीज का भी ध्यान दिया है कि ये जो लास्ट फिंगर है, ये लास्ट फिंगर इसके शू के ऊपर बैठती है। और आपके अगर इस पिस्टल या रिवॉल्वर के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो हमारे नीचे कमेंट्स में आप डालिए, हम आपको इन सबके जवाब देंगे। इसके बाद आज की डेट का इनका सबसे लेटेस्ट वेपन जो आया हुआ है वो है ग्रेटा का 7.62 प्रोटेक्टर। ये हमने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था, इनकी ग्लॉसी फिनिश में है। हम आपको अब नया मॉडल मैट फिनिश में दिखाएंगे। ये मैट फिनिश बहुत ही बेहतरीन पिस्टल है। इसकी लुक्स और डिजाइन जो है वो पता नहीं इन्होंने कहां से लिया है, बट मजा आ गया। इसका डिजाइन देखने के बाद कोई बंदा इसको रिजेक्ट नहीं कर पाता, और इसके फीचर सुनने के बाद, इसकी पावर सुनने के बाद तो मतलब ही नहीं है। ये पुश बटन मैगजीन है, बटन दबा के मैगजीन निकलती है आपकी। ये सारे पिस्टल्स में इन्होंने पुश बटन मैगजीन दी है, जो कि नॉर्मल एक ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ही इजी फैक्टर है। गोली लोड करना, नीचे से मैगजीन निकलती थी तो गोली लोड करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती थी। उसके बाद ये जो पिस्टल है इसमें 7.62, जिसको हम 30 की पिस्टल भी बोलते हैं, 7.62 बोर की गोली चलती है। 7.62 बोर की जो गोली है उसकी मार नाना करते हुए भी 200 मीटर की मार कहलाते हैं। जो नॉर्मल पिस्टल 32 बोर का होता है उसकी 30-40 मीटर की मार होती है। ये कंपनी कहती है कि ये जो पिस्टल है इसकी कम से कम, नहीं तो 200 मीटर, हाँ आप सही सुन रहे हैं, 200 मीटर की मार है कम से कम इसकी। 200 मीटर दूर जाएगी, मतलब 200 मीटर दूर जाएगी इसकी गोली कम से कम। ये राइफल का भी काम करती है ये वाली पिस्टल। तो ये इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। और इसका जो स्लीकनेस, जो ये आराम से आप कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं, लगा सकते हैं, और आपको फोटो में लग रहा होगा बट ये वेपन बिल्कुल भी बड़ा नहीं है, ये एक मीडियम साइज वेपन है। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, मीडियम साइज वेपन के बाद भी इन्होंने जो इसकी वेट रखा है, इट इज ओनली 800 ग्राम, 800 ग्राम का वजन है इस पिस्टल का। पावरफुल तोप पिस्टल का वजन भी 800 ग्राम रखना मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और इसके अंदर 8+1 की मैगजीन दे दी है, 8 इतनी बड़ी गोली होने के बावजूद 8 गोलियां मैगजीन में और एक गोली चेंबर में, तो मतलब कमाल ही कर दिया है। इसको ये ऐसे लोड होता है, हमें अभी ये लॉक था क्योंकि ये आप देखिए इसका ये लॉक है, जब ये लॉक होगा तो ये पिस्टल पूरा लॉक रहेगा, इसमें कोई कॉक नहीं कर पाएगा, गोली भी लोड नहीं कर पाएगा, गोली चला भी नहीं पाएगा। इसका लॉक खोलना है, इसको पहले हैमर को पीछे रिलीज करना पड़ेगा, उसके बाद हम इसको कॉक करेंगे। जब ये खाली होगा तो ये यहाँ पे आके रुक जाएगा। ये इंडिकेशन है कि आपकी मैगजीन
एम्प्टी है, ये हम यहाँ से दिखा सकते हैं हमारे दर्शकों को कि ये मैगजीन खाली है इसकी, इसमें अभी कोई गोली नहीं है, ये बिल्कुल खाली पिस्टल है, इसलिए ये पिस्टल यहाँ पे आगे रुक जाएगा। जब इस पिस्टल में गोली होगी तो ये ऐसे जाएगा, एक बार आपने कॉक करना है, उसके बाद 9 राउंड्स बस आप चलाते रहे, मजा ही आ जाएगा आपको। और इसकी बैरल देखिए आप कितनी प्यारी बैरल है, इसका आगे से फ्रंट फेस देखिए बहुत ही बेहतरीन दिया है, चाहे आप ऊपर से देख लो इसकी साइड्स कितनी प्यारी हैं, इसकी हैमर की शेप देख लो, ऐसी हैमर की शेप हमने आज तक किसी पिस्टल में नहीं देखी। उसके बाद आप इसकी लाइनिंग्स देख लो, एम करने के लिए भी प्रॉपर सीधी लाइंस जाएं, इनको एक एक चीज का इन्होंने इसमें ध्यान दिया है। इसके ग्रूव्स यहाँ पे देख लो, अब हम जब यहाँ से पिस्टल पॉक करते हैं तो कई बार जब ग्रूव्स नहीं होते तो स्लिप करता है, तो इन्होंने इसके अंदर बहुत ही बढ़िया ग्रूव्स देखे हैं कि ये स्लिप भी नहीं करता, चाहे ऑयल हो चाहे कुछ भी हो। और इनका लोगो देखो यहाँ पे कितना बढ़िया बेहतरीन लोगो लग रहा है, इनकी राइटिंग फिनिश भी बहुत ही बढ़िया है। सबसे बढ़िया प्लस पॉइंट तो ये देखिए, ये स्क्वायर शेप में कितना बढ़िया फील दे रहा है, यूजुअली सारे राउंड शेप में आते हैं, जैसे हम ये आपको रिवॉल्वर का दिखा दें कि ये राउंड शेप में है, इसमें इन्होंने स्क्वायर शेप में दिया है, तो देखने के बाद नजरिया ही अलग है। आप ट्रिगर देखिए, ट्रिगर के अंदर इन्होंने जो ये दो होल्स दिए हैं इसकी लुक्स इसने चार चांद लगा दिए हैं, मजा आ गया इसके तो। उसके बाद हम आपको ये बता रहे थे कि ये हर एक एक एंगल पे काम करते हैं, ये पीछे देखिए इन्होंने यहाँ पे भी इसमें लाइंस दी हैं, ताकि अगर किसी के हाथ में स्वेटिंग है या गीला उसका हाथ है तो भी उसका हाथ स्लिप नहीं होना चाहिए। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे इन्होंने R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए छोड़ी हो हमारे हिसाब से। तो पुश बटन मैगजीन ये देखिए, इसका जो डी कॉकर है इस पे भी इन्होंने यहाँ पे लाइंस दे दी है, वो इसलिए ताकि जब ये हाथ से नीचे हो तो ये भी स्लिप ना हो। तो कहने का मतलब है कि हाँ, अगर मेहनत करते हैं तो फल मिलता है, तो इस हिसाब से हमारे तरफ से तो उसमें ग्रेटा को 100 में से 100 पॉइंट्स दिए जाते हैं। आप बताइए आपको ग्रेटा के वेपन्स कैसे लगे, ऐसे ही और नए नए मॉडल्स आते रहेंगे ग्रेटा के, हम आपको वो भी दिखाते रहेंगे। ये सारे मॉडल्स हमारे पास अवेलेबल हैं, आप ये सारे मॉडल्स हमारे यहाँ बुक कर सकते हैं। हमारी शॉप शारदा गन हाउस है, हमारा एड्रेस A99 शारदापुरी रमेश नगर न्यू दिल्ली 110015 है। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में हम आपको देंगे। हमारा वैसे नंबर है 9811616516। हमारी बहुत ही पुरानी दुकान है, हम ऑलमोस्ट 40 ईयर्स से शारदा गन हाउस के नाम से बिजनेस कर रहे हैं। हमारे पास इंडियन इम्पोर्टेड हर तरह के प्रोडक्ट्स आपके लिए मिलते हैं। अगर आपको ग्रेटा का प्रोडक्ट चाहिए या किसी और ब्रांड का कोई इम्पोर्टेड प्रोडक्ट भी चाहिए तो भी हमारे पास अवेलेबल है। हमारे बहुत सारे भाइयों की ये रिक्वेस्ट थी कि हमारे को एक बार ग्रेटा के जो जो से प्रोडक्ट्स आते हैं वो एक बार दिखाई दें, तो इसलिए हम आपके लिए आज ग्रेटा के कुछ प्रोडक्ट्स लेके आए थे। अगर इस कंपनी ने इतनी मेहनत करी है तो थोड़ी सी प्रमोशन तो बनती है, तो हमें दिखाना था। और हमारे पास ये प्रोडक्ट्स रुकते ही नहीं है, जैसे ही हम प्रोडक्ट्स फैक्ट्री से खरीदते हैं विद इन 1-3 डेज के अंदर अंदर ये सारे प्रोडक्ट्स बिक जाते हैं, क्योंकि इनकी इतनी अच्छी डिमांड चल रही है, इतनी अच्छी डिमांड चल रही है कि हम आपको बता नहीं सकते। इसीलिए फैक्ट्री के पास भी थोड़ी बहुत वेटिंग भी चल रही है। तो आप देखिए, आपको रिवॉल्वर पसंद है तो रिवॉल्वर मिलेगा, पिस्टल पसंद है तो पिस्टल मिलेगा। नॉर्मल कैलिबर में हैंडी साइज चाहिए 32 बोर का पिस्टल ले लीजिए। अगर आपको मोस्ट पावरफुल पिस्टल इन इंडिया तो ग्रेटा का 7.62 बोर पिस्टल, जिसका नाम प्रोटेक्टर है। इनके 7.62 पिस्टल का नाम प्रोटेक्टर है, 0.32 बोर पिस्टल का नाम ब्रह्मास्त्र है, और रिवॉल्वर का थंडर कॉम्बैट प्रो है। उसमें 2 इंच बैरल, 3 इंच बैरल, 4 इंच बैरल, जो सी आपको चाहिए वो मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, और आप ऐसी हमारी वीडियो को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, वीडियो को शेयर करिए और हमारे को बहुत ज्यादा प्यार दीजिए। सो गाइस, आपको वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट में जरूर बताना। जो भी इनकी डिटेल्स है, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस वगैरह भैया ने आपको बता दिया है, पर अगर आपको पूरा रिटर्न में चाहिए तो वो आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा, वहां से भी आप देख सकते हो। और कमेंट करना कि भाई आपको ग्रेटा कैसी लगी और जो वीडियो बनाई है मैंने इसके फीचर कैसे लगे, ठीक है। बाकी अब मैं आगे भी ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियोस लाऊंगा। और ये जो उनके पास राइफल्स रखी है देखो, इम्पोर्टेड, और ये जो इंडियन है इसकी मैंने जो एयर राइफल है उनकी वीडियो बना रखी है, और जो ये रियल है इसकी मैं वीडियो बहुत जल्द लाऊंगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय एंड टेक केयर।